क्या गृह मंत्रालय लॉरेंस बिश्नोई और उसकी पूरी गैंग को बचा रहा है? बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चे में है तो गृह मंत्रालय और खुद गृह मंत्री अमित शाह हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो बहुत ही चिंताजनक है कि लॉरेंस बिश्नोई के कस्टडी में आड़े आ रहा है गृह मंत्रालय। कनाडा के पीएम ने क्यों कहा कि दिल्ली के साथ मिलकर काम कर रहा है बिश्नोई? आखिर मुंबई पुलिस को एक साल से क्यों नहीं मिल पा रही है बिश्नोई की कस्टडी? क्या बिश्नोई को बचाने में कोई हाई प्रोफाइल नाम है? बिश्नोई गैंग के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का नाम क्यों आ गया है? किसके इशारे पर चल रहा है बिश्नोई गैंग? बताऊंगा सब कुछ आपको। स्वागत है आप सभी का देश नीति में, मैं असरार अहमद। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी उसी समय से मुंबई पुलिस बिश्नोई की कस्टडी मांग रही है, लेकिन अभी तक गृह मंत्रालय ने एक धारा 268 के तहत जारी वो आदेश आड़े आ रहा है जिसमें लॉरेंस को गुजरात की साबरमती जेल से ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं है। मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी के लिए कई बार आवेदन दायर कर चुकी है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस को उसकी कस्टडी नहीं मिल सकी है। गृह मंत्रालय का आदेश पहले अगस्त 2024 तक प्रभावी था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब इस आदेश को और आगे बढ़ा दिया गया है कि कोई भी कस्टडी में उसको नहीं ला सकता है। सिंगर सिद्धू मूसे की घटना के बाद से ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर कैसे अपनी पूरी गैंग को चला रहा है। अब जो खबर सामने आ रही है कि गृह मंत्रालय का एक आदेश आड़े आ रहा है कि जिसकी वजह से मुंबई पुलिस को उसकी कस्टडी नहीं मिल पा रही है। गृह मंत्रालय ये कह रहा है कि हम आदेश नहीं दे सकते हैं क्योंकि सुरक्षा का मामला है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक व्यक्ति जेल में बैठकर जो पूरी जिम्मेदारी उसकी गैंग ले रही है कि मैंने इनको मारा है और इनके साथ मैंने ऐसा किया है, उसकी कस्टडी देने के लिए गृह मंत्रालय क्यों अपने आदेश को नहीं बदल पा रहा है? जब आदेश की अवधि खत्म हो गई थी तो उसको अगस्त से बढ़ाकर अब एक साल तक के लिए और ज्यादा कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होगा कि आखिर जैसे बाबा सिद्दीकी जो इतने बड़े राजनेता और उसके बाद उद्योगपति, उनकी साथ ऐसा होता है, उनको मार दिया जाता है, तो आखिर अब देश में सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जिस तरीके से मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां पर जब ये मामला हुआ तो पूरी तरीके से लोग सहम गए और लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर कैसे अपने गैंग को पूरी तरीके से चला रहा है। तो खबर है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई को हाथ भी नहीं लगा पा रही मुंबई पुलिस, जाने कहां फंसा है पेंच। लॉरेंस बिश्नोई गैंग कानून व्यवस्था को कमजोर करने के साथ पुलिस विभाग के लिए किसी भी बड़ी चुनौती की तरह बनता जा रहा है। पुलिस लॉरेंस की कस्टडी मांग रही है, लेकिन ये मुंबई पुलिस के लिए आसान नहीं है क्योंकि गृह मंत्रालय का आदेश आड़े आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेना क्यों मुश्किल पड़ रहा है मुंबई पुलिस के लिए? पिछले साल गृह मंत्रालय की धारा 268(1) के तहत जारी आदेश के कारण अधिकारियों को साबरमती जेल से उसकी कस्टडी हासिल करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये धारा राज्य सरकार को ये निर्देश देने की अनुमति देती है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जेल से नहीं हटाया जाएगा जो धारा 267 कैदियों की उपस्थिति की आवश्यकता के लिए शक्ति के तहत दिए गए किसी भी आदेश को दरकिनार कर देता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए गृह मंत्रालय का धारा 268(1) जिसके तहत उसकी कस्टडी कोई भी नहीं ले सकता है। अगर राज्य सरकार की पुलिस चाहे तो उसको कस्टडी में नहीं ला सकती है। अगर उससे पूछताछ करनी है तो साबरमती जेल जाना होगा और वहीं पर पूछताछ करके आप वहां से बाहर आ सकते हैं। अब वहां से जानकारी क्या मिलेगी ये तो नहीं पता है, लेकिन कस्टडी जो नहीं मिल पा रही उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं मुनव्वर फारूकी। आखिर मुनव्वर फारूकी के साथ ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं ये लोग? जब दिल्ली में क्रिकेट मैच चल रहा था तब उस वक्त मुनव्वर फारूकी दिल्ली आए थे। दिल्ली पुलिस को यह जानकारी मिल गई थी कि मुनव्वर फारूकी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई के लिस्ट में मुनव्वर फारूकी सबसे ऊपर हैं। देखिए खबर है जनसत्ता की, सलमान खान ही नहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं मुनव्वर फारूकी भी। अब बढ़ाई गई कॉमेडियन की सुरक्षा।
मनोहर फारूकी की जान को भी खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। दिल्ली में कुछ लोगों ने मनोहर का पीछा किया, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मनोहर का दिल्ली में कुछ लोगों ने पीछा किया था, जिनका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। ऐसे में कोई बड़ी घटना ना हो, उससे पहले ही पुलिस उनकी सुरक्षा को बढ़ा दी है। मनोहर इस गैंग के निशाने पर क्यों है, इसका कारण अभी तक साफ नहीं है, लेकिन पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें गैंग से मनोहर को संभावित खतरे के बारे में जानकारी मिली है, और हालांकि खतरे का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस इस मामले में अलर्ट हो गई है। तो आप समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार जेल में बैठकर अपने पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है, जब बाबा सिद्दीकी के साथ ये घटना घटी उसके बाद सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अगर कानून मुझे अनुमति दे तो मैं 24 घंटे में इस 2% के अपराधी के पूरे गैंग और नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। सबसे बड़ी धमकी पप्पू यादव की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मिली थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जिन लोगों ने बाबा सिद्दीकी के मामले में जिन लोगों को पकड़ा गया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें आदेश था ये कुछ करना है, लेकिन आदेश कौन दे रहा है ये अभी तक इसकी जानकारी नहीं सामने आ पाई है। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर यह सारा खेल खेला जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह होता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर पूरे गैंग को ऑपरेट कैसे करता है, कैसे उस तक जानकारियां जाती हैं। एक बड़ा सवाल है सुरक्षा पर कि आखिर साबरमती जेल के अंदर से कैसे उसको जानकारियां दी जाती हैं, और उसकी जानकारी कैसे लोगों तक बाहर आती है, और कैसे वो अपने पूरे गैंग को ऑपरेट करता है, इसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। पहले सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक सीमित था इसका गैंग, लेकिन अब उसका आतंक मुंबई में भी फैल रहा है। दाऊद भले ही दुबई में बैठता था, लेकिन वो वहीं से मुंबई को ऑपरेट करता था। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है। वैसे सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस को जेल से बेहतर और सुरक्षित दूसरी जगह अभी नहीं मिली है, इसीलिए वो जमानत के लिए भी कभी अप्लाई भी नहीं करता है। वैसे भी जेल से बैठे ही बैठे उसके सारे धंधे और अपराध चल रहे हैं। NIA की रिपोर्ट में दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई सीधे किसी शूटर से बात नहीं करता। वो गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के जरिए अपना मैसेज शूटर तक पहुंचाता है। लॉरेंस के बाद गैंग में उसका सबसे करीबी दोस्त गोल्डी बराड़ है। इसके बाद उसका चचेरा भाई सचिन बिश्नोई है। लॉरेंस गैंग में कई ऐसे शूटर भी हैं जो एक साथ किसी क्राइम में शामिल होते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते। ये सारी जानकारी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने NIA को और दिल्ली पुलिस को जानकारी दी थी कि मैं ऐसे ऐसे इस काम को अंजाम देता हूँ। अब बिश्नोई का नेटवर्क सिर्फ भारत ही में नहीं बल्कि बाहर भी विदेशों में भी पहुंच चुका है। जिस तरीके से कनाडा और भारत के रिश्तों में खटास आई है, साफ तौर पर वहां की सरकार ने यह कह दिया है कि दिल्ली के इशारे पर काम कर रहा है बिश्नोई गैंग। जो हमारे यहाँ कुछ हो रहा है कनाडा में, उसको भी अंजाम यही बिश्नोई गैंग दे रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा नेटवर्क जो देश और विदेश में चलाया जा रहा है, और गृह मंत्रालय उस व्यक्ति की कस्टडी भी नहीं दे रहा है, जब कस्टडी का जो धारा थी 268(1) वो जब खत्म हो रही थी अवधि, तो उसकी फिर से अवधि बढ़ा दी गई। आखिर उसकी कस्टडी मुंबई पुलिस को क्यों नहीं दी जा रही है, जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी उसी समय से मुंबई पुलिस उसकी कस्टडी चाह रही है, लेकिन गृह मंत्रालय आदेश नहीं दे रहा है कि आप कस्टडी में ले सकते हैं। अभी तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में नहीं मिल पाया है। मुंबई पुलिस को अभी भी लॉरेंस बिश्नोई हाथ नहीं लगा है। देखिए, दिल्ली के साथ मिलकर काम कर रहा है बिश्नोई गिरोह, कनाडा का साफ तौर पर यही कहना है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कनाडा का ये आरोप ऐसे समय में आया है जब लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए भारत में चर्चा में है। राजनयिक विवाद के बीच कनाडा ने अब भारत सरकार के खिलाफ नए और गंभीर आरोप लगाए। उसने आरोप लगाया है कि कनाडा में मौजूद भारतीय एजेंट खालिस्तानी समर्थक तत्वों को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कनाडा का ये आरोप, तो आप समझिए कि एक अपराधी जेल में बैठकर विदेश और देश तमाम जगहों पर अपनी गैंग चला रहा है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। तो सवाल तो खड़े होंगे, गृह मंत्रालय से भी सवाल पूछा जाएगा कि आखिर कैसे सिद्धू मूसेवाले के साथ मामला हुआ, उसके बाद करनी सेना के अध्यक्ष के साथ ये मामला हुआ, अब NCP के नेता के साथ ये मामला पेश आया है, और उसके बाद जब विदेशों में कोई घटना घट रही है तो कनाडा सरकार साफ तौर पर बिश्नोई गिरोह का नाम ले रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल होगा गृह मंत्री और गृह मंत्रालय से
कि आखिर उसकी कस्टडी मुंबई पुलिस को क्यों नहीं दी जा रही है। अब बिश्नोई गैंग के निशाने पर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी आखिर क्यों हैं, क्या मुनव्वर फारूकी के साथ कोई अनहोनी हो सकती है? आपको बता दें, उसके बाद से जैसे ये जानकारी सामने आई है, कॉमेडियन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।